It's 4 AM in the morning और अभी वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक। चलो ये है स्टॉप एंड शॉप अंडर कंस्ट्रक्शन। ओह माय गॉड, ये है लिटिल ड्रैगन रेस्टोरेंट। हमें यादें हैं इस वेल जुड़ी हुई। नहीं, ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। और यादें उस तरफ है, ये है ऊपर की तरफ, क्या है, रूफ टॉप है। ये रूफ टॉप है लेकिन फिर भी नाम भी रूफ टॉप ही है रेस्टोरेंट का, जहाँ पर इतने अच्छे अच्छे खाने को मिलते हैं। इतने भी नहीं, ज़्यादा लोग अच्छा पकवान मिलते हैं। व्याकरण ठीक करना पड़ता है, मेरा व्याकरण के पीछे लगा रहे। और ये है हमारा एक लोटा सिनेमा हॉल और विशाल। और इधर है ये क्या टेंपल है, मस्जिद पता नहीं क्या, बारवारी मंदिर बोलते हैं। और बारवारी मंदिर के आगे ही है एक ये ट्रैफिक सिग्नल। और ये है लंगपी देहांगी बैंक, रूरल बैंक। और राइट के साइड है पोस्ट ऑफिस, जहाँ चिट्ठी ना कोई संदेश सब आता है लेकिन टाइम से कुछ नहीं पहुँचता है। और ये है एक बहुत ही बेकार ब्रिज जो जोड़ता है इस कोने को इस कोने से। क्यों क्यों जोड़ता है इतना छोटा रास्ता, क्यों जोड़ता है समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। चलिए आपको ब्रिज का नज़ारा दिखाता हूँ। ब्रिज के ऊपर से एक्चुअली अच्छा व्यू आता है। नीचे पार्क है छोटा सा जो कभी खुलता नहीं है, गांधी पार्क। ब्रिज बहुत ही गंदा है, फिर भी इस ब्रिज में कोई भी नहीं चलता है, पूरा रस्टिंग पड़ गया है लोहे पे। और इतना गंदा है, ओह माय गॉड, तो ऐसा इतना गंदा है ये ब्रिज। लेकिन शॉट अच्छा आता है यहाँ से। तो ब्रिज के उस साइड में है स्टेशन, रेलवे स्टेशन सामने ही है, और वहाँ पे है बस स्टेशन। और ये है पार्क, गांधी पार्क। इसके ऊपर ये पुल, ब्रिज, ओवर ब्रिज के ऊपर ज़्यादा देर रहना सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि बहुत ही गंदा स्मेल आता है, कचरा है दुनिया भर का। तो नीचे चलते हैं और चलते हैं, पता नहीं कहाँ चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं डीसी ऑफिस की तरफ। डीसी ऑफिस है ये राइट साइड में, और आगे जाने से मिलेगा हम लोग को स्टेट बैंक का मेन ब्रांच जो कि लंबिंग रोड में है। तो बस चलते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं, ये रहा डिप्टी कमिश्नर डीसी ऑफिस, और सामने है ये कृषि भवन। Let's go.
ये है नेताजी पार्क। देखो मेरे सब पार्क बहुत सारा है हर जगह, थोड़ी थोड़ी दूर में बस पार्क 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 पार्क। और हम पहुंच गए स्टेट बैंक लमडिंग रोड। तो फ्लावर्स भी लगे हैं, इतना सुंदर लग रहा है। स्टेट बैंक के थोड़ी ही दूर में है हम लोगों का डिफू मेडिकल कॉलेज। ये मेडिकल कॉलेज अभी भी है। सो दिस इज द डिफू मेडिकल कॉलेज, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। गेट बहुत ही सुंदर है, जब नया नया बनाया था तो एकदम लाइट ही लाइट लग रहा था, लेकिन अभी तो लाइट वाइज कुछ नहीं है। यहाँ से भी बहुत दूर जाना पड़ता है। चलते चलते हम पहुंच गए ये राम मंदिर में। ये एक्चुअली शिव मंदिर है, सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन हम लोग इसको राम मंदिर ही कहते, पता नहीं क्यों। और तीज के समय में भी इसमें बहुत हलचल गतिविधियां होती है, बहुत सारे औरतें आती हैं और नाच गाना होता है। तो चलते चलते अभी हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग लेंगे आगे से राइट और कॉलेज से होते हुए फिर चले जाएंगे अपने अपने रास्ते। कॉलेज भी दिखाऊंगा और आगे एक स्कूल है बोधन मेमोरियल, तो उसको भी दिखाऊंगा। तो यहाँ से हम लेंगे राइट, अगर लेफ्ट के तरफ गया तो फिर आसाम यूनिवर्सिटी और लमडिंग रोड पहुंच जाएंगे आसाम यूनिवर्सिटी। तो अभी हम जाएंगे इस तरफ, आगे है बोधन मेमोरियल स्कूल, फिर है पुलिस थाना और उसके बाद है डिफू कॉलेज। रास्ता रिपेयर के लिए बन रहा है, बहुत ही गंदा हालत है रास्ते का। एक बाप्टिस्ट चर्च है वो उस तरफ है, एकदम बहुत डाउन है, फिर अप है, दिखाई नहीं देता यहाँ से। बेड़ा लगा हुआ है, नहीं दिखाई देता है। ये नया बिल्डिंग बन गया यहाँ पर, कुछ ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट DTO ऑफिस, नया बिल्डिंग है, पीछे से लेना पड़ेगा। तो कॉलेज पहुँचने वाला है अभी, हम अगर लेफ्ट लेंगे तो कॉलेज का रास्ता पहुँच जाएगा और राइट में होगा लुड़ांग से जाने का रास्ता, तो इस तरफ जाएंगे। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ डिफू गोल्फ कॉलेज विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। और ये है कॉलेज का फील्ड, जहाँ पर फुटबॉल क्रिकेट मैचेस होते हैं, वो रहा एंट्रेंस। ये सब है हॉस्टल और नीचे नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, पता नहीं किस लिए। और ये है हम लोगों का प्यारा सा कॉलेज, डिफू गोल्फ कॉलेज। और वो है साइंस सेक्शन, सबसे अलग एकदम एटीट्यूड में। आर्ट्स और कॉमर्स से इन लोगों का कोई लेन देन नहीं है। और ये है इकोनॉमिक्स सेक्शन, इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट्स का क्लासरूम, हम भी यहीं पर था। कॉलेज का पार्किंग आगे है हम कॉलेज के पीछे, और वो रहा कैंटीन का खाना, बहुत ही बकवास है। ये कॉलेज गार्डन, बहुत ही बड़ा गार्डन है, लेकिन बंद रखते हैं अभी तो, क्योंकि सिर्फ सरस्वती पूजा का टाइम में खुलते हैं, वैसे बंद ही रहता है। नहीं तो
क्लास करने कोई नहीं आता, सब यहाँ पर डेटिंग मारने चला जाते हैं, तो इसलिए बंद रखा जाता है। बहुत कर लिया वॉक, अभी जाएंगे हम घर के ओर। इसके पीछे से हम लोग इस तरफ आगे है ITI, वो येलो कलर वाला बिल्डिंग ITI, ये है बॉयज़ हॉस्टल ITI का। तो ये ITI गेट किस लिए लगाया है, साइड में वॉल है ही नहीं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI डिप्लोमा। तो अभी मैं घर पहुंचने वाला हूँ और ब्लॉग को एंड करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत टायर्ड हो गया हूँ। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।